हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट शेयर के ऊपर, साथ ही साथ उन सभी स्टॉक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई भी न्यूज़ होगा तो उस बात के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब एक एक करके डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल डेली बेसिस पे मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हर वो इम्पोर्टेंट चार्ट हम लोग शेयर करते हैं जहाँ पे कि एक अच्छा ब्रेकआउट आता है या फिर कोई ब्रेकआउट जो रीटेस्ट हो रहा है, किसी स्टॉक में जो है एक अच्छा चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रीवियस ट्रेडिंग सीजन में हम लोगों ने वरुण बेवरेजेस को शेयर किया था, अमिया को शेयर किया था, उससे पहले अगर बात करेंगे तो रोबो को जनवरी मंथ में शेयर किया था, जब ये स्टॉक जो है 518 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। हम लोगों का जो टारगेट था वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, इनफैक्ट टारगेट से कहीं ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। तो लगातार हम लोग हर वो इम्पोर्टेंट चार्ट को शेयर करते हैं टेलीग्राम और ट्विटर पे, जहाँ पे कि एक भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर इनकेस आपके पास समय नहीं है, आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप एनालिसिस करते हैं बट आपको लॉस हो जा रहा है, तो फिर उस केस में आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे प्रीमियम ग्रुप के ऊपर डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओरिजिनल प्राइस अगर देखेंगे तो 16,000 का जो है आपको ईयरली पैकेज है, और 1600 पर मंथ का जो है यहाँ पे आपको मंथली पैकेज है। बट अगर अभी आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको 1150 पर मंथ या फिर 11,500 पर ईयर में जो है आपको यहाँ पे प्लान मिल जाएगा। आप चाहे तो क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली प्लान भी ले सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो फिर आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। इन केस अगर आप वनली FNO में ट्रेड करना चाहते हैं और आप डेडिकेटेडली FNO में ट्रेड करते हैं, तो फिर FNO का एक अलग से ग्रुप है जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी प्राइस नहीं देना है। वनली आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, एंजल वन, जीरोधा और पिस्टॉक्स, तीन में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है, फिर आपको वहाँ पे ट्रेड करना है FNO को। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे, कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर कॉल दिया था, 50,290 के लेवल के ऊपर बाइंग लेवल था, और हम लोगों का टारगेट 51,200 था। दोनों ही टारगेट आज अचीव हो चुका है। तो लगातार इसी टाइप के कॉल्स जो है हम लोग जहाँ पे भी ऑप्शन के थ्रू मिलता है तो ऑप्शन के थ्रू, या फिर फ्यूचर के थ्रू मिलता है तो फ्यूचर के थ्रू ट्रेड लगातार शेयर करते रहते हैं। तो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक शेयर। स्टॉक में आज 2.3% का एक अच्छा उछाल देखने को मिला, काफ़ी टाइम के बाद इस स्टॉक में एक तेजी आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक वन मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक जो है लगातार यहाँ पे गिरावट में था, स्टॉक में लगातार हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा था, बट अब स्टॉक ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस था 103 के पास, जिस लेवल से लगातार स्टॉक रेसिस्ट हो रहा था, यहाँ पे आपको ऊपर की साइड मूव नहीं कर पा रहा था, इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया है, और एक बहुत ही प्यारा रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक में तेजी हुआ, तेजी के बाद एक गिरावट हुआ, और गिरावट के बाद अब स्टॉक यहां से बाउंस बैक करना स्टार्ट कर चुका है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक के
फंडामेंटली पे जाएंगे तो यहाँ पे लगातार अगर देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लगातार फाइनेंसिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपनी जो है लगातार फाइनेंशियल बैंक लगातार इम्प्रूव कर रहा है, साथ ही साथ अदर इनकम में भी यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने आपको हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, इसके साथ ही अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हो रहा है और प्रीवियस 2 ईयर से कंपनी ईयरली बेसिस पे डिविडेंड पे आउट भी कर रहा है। अगर यहाँ पे 5 ईयर्स के हम लोग सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 21% का सेल्स ग्रोथ है और सेम पीरियड में अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 31% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो यहाँ पे आप होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक को हम लोगों ने 70 रुपीज़ के लेवल पे भी कवर किया था जब स्टॉक में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था। स्टॉक ने मंथली बेसिस पे एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल का फॉर्मेशन किया था, उसके बाद से स्टॉक में 50% से ज़्यादा का रैली देखने को मिल चुका है और स्टॉक में फ्रेश तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी करंट लेवल पे कर सकते हैं। नीचे की साइड में 90 रुपीज़ के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपने एसएल को प्लेस करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में अगर देखेंगे यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा था। प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है आज के सेशन में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। अभी अगर देखेंगे अब जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस स्टॉक के पास है वो है 85 का जोन। 85 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है उसके बाद 100 रुपीज के लेवल के साइड में मूव कर सकता है। जितने भी लोग इस स्टॉक में पोजीशन लेना चाहते हैं उनको एक बात क्लियरली पता होना चाहिए, जो ये स्टॉक एक स्लो मूविंग स्टॉक है, इस वजह से यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपको काफी धैर्य के साथ यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोगों को फ्लक्चुएशन देखने का एक हैबिट हो चुका है, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट का फ्लक्चुएशन। क्योंकि हाई बीटा स्टॉक में जब आप एंट्री लेते हैं, सपोज अगर आप एचएएल में एंट्री ले रहे हैं, इंडिगो में एंट्री ले रहे हैं, तो फिर वहां पे 50-60 पॉइंट का फ्लक्चुएशन जो है आपके लिए नॉर्मल है, बट यहाँ पे 50-60 पैसे का फ्लक्चुएशन जो है नॉर्मल होता है। इसी वजह से ये एक स्लो मूविंग स्टॉक है। अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री में एक अच्छा तेजी 8% का देखने को मिला। टेक्सटाइल सेक्टर में वापस से हम लोगों को एक कंसोलिडेशन के बाद जो है तेजी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक 11% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और लास्ट 6 मंथ में स्टॉक ने 29% का रिटर्न बना के दिया है। चलिए बात करते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, एक वर्टिकल मूवमेंट, उसके बाद स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट हुआ और स्टॉक जो है लगातार इसी बेस के पास ट्रेड कर रहा था। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है 30 रुपीज़ के जस्ट नीचे क्लोज दिया है। इससे पहले एक बार कोशिश किया था 30 रुपीज़ के लेवल के ऊपर होल्ड करने का इन द मंथ ऑफ मार्च, बट होल्ड नहीं कर पाया। एक बार स्टॉक इस लेवल को होल्ड कर जाता है तो स्टॉक में वापस से हम लोगों को एक अच्छा तेजी 40 और फिर उसके ऊपर 60-65 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो आलोक इंडस्ट्री में फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा 30 रुपीज के लेवल के ऊपर, जब सस्टेन कर जाएगा उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।